वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो हमने देखा कि दो भाई निकोला और जकोपो बहुत सारे काम करते थे, बहुत मेहनती लड़के थे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि नरेटर को अंधेरी रात में निकोला और जकोपो मिलते हैं। वो बाहर क्या कर रहे थे? क्या वो किसी का इंतजार कर रहे थे? किसका? शायद अपनी जूलियट के आने का इंतजार कर रहे थे। तो नरेटर उनके पास जाता है और देखता है कि दोनों भाई थके हुए हैं। उनके पास कुछ अखबार हैं। दोनों एक बड़े पत्थर पर बैठे हैं और जकोपो मूवीज की तरह बड़े भाई के कंधे पर सर रख के सो रहा है। नरेटर निकोला से पूछता है, क्या चक्कर है? इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? तो निकोला बताता है कि वो पदवा से आने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहे हैं जिसमें वो अखबार बेचेंगे। नरेटर को वेरोना में कोई मिली नहीं, इसलिए रात में इन बच्चों के साथ बात करके टाइम पास कर रहा है। नरेटर कहता है, तुम इतने थके हुए हो और फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हो? फिर निकोला कहता है, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, यानी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है हार्डवर्क करने से, वो बस करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वो हार्डवर्किंग तो है, प्लस वो विलिंग वर्कर्स भी हैं, यानी जो करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं। अगली सुबह नरेटर फिर से फाउंटेन के पास चला जाता है उनसे जूते पॉलिश कराने। नरेटर के सवाल तो खत्म होने नहीं थे, तो फिर वो दोबारा पूछना शुरू कर देता है। तो वो निकोला से पूछता है, तुम इतना सारा काम करते हो तो ठीक ठाक कमा भी लेते होगे, पर तुम कपड़ों पे खर्च नहीं करते और खाने में तुम सस्ती सी ब्लैक ब्रेड खाते हो, तो तुम उन पैसों का क्या करते हो? भाई वो अपने पैसों से कुछ भी करें, इसका क्या जाता है? खैर जो भी है, पर नरेटर का सवाल सुनकर निकोला का मुंह घबराहट के कारण सफेद पड़ गया। नरेटर बोलता है, पक्का तुमने अमेरिका जाने के लिए पैसे बचा रखे हैं, है ना? है ना? अमेरिकन मूवीज देखने के बाद मेरा भी बहुत मन करता है अमेरिका जाने का। यार जगह ही अलग है वो। फिर निकोला बोलता है, हाँ हम जरूर जाते, लेकिन अभी हमारे कुछ और प्लान है। क्या प्लान्स हैं? निकोला बोलता है, बस प्लान्स है सर, मतलब सीधी बात, वो अपने प्लान बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो टॉपिक बदल देता है और उन्हें बताता है, मंडे को मैं जा रहा हूं, तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं तो मुझे जरूर बताना। तो जकोपो तुरंत बोलता है, हमें संडे को पोलेटा जाना है जो कि यहां से 30 किलोमीटर दूर है। वैसे जाने के लिए हम साइकिल भाड़े पर ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने नेक हैं तो क्या आप हमें अपनी गाड़ी से छुड़वा सकते हैं? नरेटर ने अपने ड्राइवर लुंगी को संडे की छुट्टी दे रखी थी, तो नरेटर ने सोचा कि वो उन्हें पर्सनली छोड़ के आएगा। तो नरेटर कहता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद ड्राइव करूंगा। इससे मेरे को एक जोक याद आया। टैक्सी का ड्राइवर बोलता है, साहब जी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, क्या करूं? तो गोगी कहता है, भाई पहले मीटर बंद कर। निकोला को दूसरों से मदद लेना पसंद नहीं था, तो वो अपने छोटे भाई को गुस्से से देखता है। निकोला बोलता है, सर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। तो नरेटर कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर निकोला को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। तो बात यह है कि हर संडे वो पोलेटा क्या करने जाते थे? क्या उन दोनों भाइयों की जूलियट वहां रहती थी? अरे मेरी जूलियट का भी फोन आ गया है, तो इनके सीक्रेट्स जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो, अरे नहीं चाहिए लोन, भागो यहाँ से।